तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपकी सेल्फ मोटर के साथ। अब देखिए मैं इसे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो ये स्टार्ट नहीं हो रही, मगर मैं जैसे इंजन को एक दो राउंड घुमाऊंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों इसकी काफ़ी लॉन्ग स्टार्टिंग भी हो चुकी है, अब ये काफ़ी बहुत ज़्यादा लंबा सेल्फ लेने के बाद स्टार्ट हो रही है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसके अंदर बैटरी में जो है वोल्टेज वो कम है, पर वोल्टेज भी प्रॉपर है जितनी होनी चाहिए, मगर फिर भी ये स्टार्ट नहीं हो रही। तो इसकी प्रॉब्लम ये है, सेल्फ मोटर के अंदर कम्यूटेटर होता है वो शॉर्ट हो चुका है, अब हमें या तो वो सेकेंड हैंड डालना पड़ेगा वरना पूरी सेल्फ असेंबली को चेंज करना पड़ेगा। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें।